हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनजे फैशन स्टाइल। मैं मनोज खान आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये लुक। कम प्रोडक्ट्स के साथ मैंने ये लुक क्रिएट किया है। सिंपल मेकअप है और वाटरप्रूफ मेकअप ट्यूटोरियल है, तो वीडियो को फुल जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे मैं लोटस का सनस्क्रीन क्रीम यूज़ करी हूँ, क्योंकि समर्स है तो समर्स में अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। ये एक अच्छे मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है, जिससे हमारी स्किन लाइटन और ब्राइटन हो जाती है। अगर आप इसको डेली यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी और आपकी स्किन पर टैनिंग नहीं होगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है हिलारी रूडा का 18 आवर लॉन्ग लास्टिंग प्राइमर का यूज़ करी हुई है। पोर फिलिंग प्राइमर है, आपके पोर्स को हाइड कर देता है, जिससे आपकी फेस पे पसीना नहीं आता, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। सुपर सुपर अफोर्डेबल है और ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, आपके फाउंडेशन को भी लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। एंड यहाँ पर फाउंडेशन के लिए मैं CV3 का HD फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। 16 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, कवरेज बहुत ही अच्छा देता है। अगर आप चाहें तो इस पर कंसीलर का यूज़ ना करें, बहुत ही अच्छा कवरेज देता है। अगर आपकी फेयर स्किन है तो फेयर स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा ये फाउंडेशन है, HD फाउंडेशन है। ये आपके फेस से ब्लैमिशेस को और पिगमेंटेशन को हाइड कर देता है, जिससे आपकी स्किन इवन हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लगती है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं मेबेलिन फिट मी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा वाइट जो है कंसीलर है। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो अगर आप उसको अच्छे से हाइड करना चाहते हैं तो आप ये लिक्विड ब्रश वाला कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पिगमेंटेड है, जिससे आपके फेस के जो डार्कनेस है वो हाइड हो जाती है, जो आपके डार्क सर्कल्स है वो हाइड हो जाती है। यहाँ पे जो माउथ के पास माउथ एरिया होता है उसके आसपास जो है ब्लैक बहुत ज़्यादा हो जाता है, समर्स में टैनिंग हो जाती है, तो ये अच्छे से उसको कवर अप कर देता है और आपके जो फ्लॉलेस आपके स्किन देता है। तो इसको मैंने हाइलाइट किया है अपने फेस को। और यहाँ पे मैं पूरे फेस को सेट करने के लिए हिलारी रूडा का फेस पाउडर एंड लूज़ पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे लूज़ पाउडर का यूज़ करना समर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल और पसीना वगैरह बहुत आता है, जिसको लूज़ पाउडर ही जो है हमारे अच्छे से कवर करता है हमारे फेस को। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आई शेडो का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, लिपस्टिक से ही अपने आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। इस पेन बाई बी की मेरी ये लिक्विड लिपस्टिक है, काफ़ी अच्छा न्यूड शेड है इसका, और इसको मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी पूरी आईलेट पे अप्लाई कर रही हूँ। ज़्यादा मैंने कुछ आई शेडो वगैरह का यूज़ नहीं किया है, काफ़ी सिंपल है। अगर आप डेली में आप इसको जो है ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका जो है आईज़ बहुत ही अच्छी लगेंगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं लैक्मे आइकॉनिक काजल का यूज़ कर रही हूँ। हल्के हाथों से यहाँ पे मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ, ज़्यादा मैंने डार्क नहीं किया क्योंकि ये काफ़ी डार्क काजल है। अगर आप इसको डार्क करेंगे तो आपकी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा काली हो जाएंगी, तो यहाँ हल्के हाथों से मैंने इसको आईब्रो को फिल किया है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं आईलाइनर के लिए हिलारी रूडा का पेन आईलाइनर का यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा, काफ़ी पिगमेंटेड है और बहुत ही आसानी से आपके आईज़ पर लग जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और सबसे अच्छी इस बात इसकी हिलारी रूडा की पेन आईलाइनर की है कि ये सूखता नहीं है। इसको मैंने 3-4 महीने हो गए यूज़ करते हुए, लेकिन ये मेरा बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ है। ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि लाइनर सूख जाते हैं, ये लेकिन ये सूखता नहीं है, बहुत ही अच्छा आईलाइनर है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे ब्लशर के लिए मिस रोज़ का बेक ब्लशर यूज़ करी हूँ, और इसको मैंने अपने ब्लश चीक्स को ब्लैक ब्लश किया है। काफ़ी अच्छा ब्लशर है, काफ़ी अच्छा और माइल्ड कवरेज देता है। आप बहुत सारे जो ब्लशर होते हैं बहुत ही ज़्यादा डार्क होते हैं, जो आपके चीक्स पर लगाने के बाद बहुत ज़्यादा पिंक पिंक हो जाता है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। अगर आपको 2-3 बार में इसको अप्लाई करेंगे तो आपके फेस पे हल्का हल्का सा पिंकिश कलर आएगा, तो बहुत ही आसानी से ये अपने फेस पे अप्लाई हो जाता है। लिपस्टिक के लिए NYBA के लिक्विड लिपस्टिक का ही यूज़ कर रही हूँ, जो सेम मैंने आई शेडो पे लिए अप्लाई की थी वही सेम लिपस्टिक का यूज़ किया है, उसको अपने लिप्स पर अप्लाई किया है। एंड देन यहाँ पे स्विस ब्यूटी के मेकअप फिक्सर के साथ मैं अपने फेस मेकअप को कंप्लीट कर रही हूँ। इसको मैंने अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग के बनाने के लिए इसको यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर है, क्योंकि आपका मेकअप जो है लॉक हो जाता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे अपने आईलैशेस को ओरिजिनल आईलैशेस को कर्ल कर रही हूँ कलर से, तो ये अच्छे से कर्ल हो जाते हैं। नेक्स्ट मस्कारा के लिए यहाँ पे हिलारी रूडा का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा मस्कारा है ये। आपके जो आईज हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी दिखती हैं, आपके जो लैशेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है, उसमें बहुत ही अच्छे से कर्ल हो जाती हैं और आपको बिल्कुल भी फेक लैशेस की जरूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी जो है पिगमेंटेड है, काफ़ी जो थिकी जो आईलाइन मस्कारा है ये बहुत ही अच्छा है, मुझे फेवरेट है मेरा, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आसानी से लग जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती और निकलता नहीं है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। और आप लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा चाहते हैं तो आप ये जरूर ट्राई करिए। तो दिस इज़ माई फाइनल लुक। सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स मैंने इमेज पे दी हुई है वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल मिल जाएगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर
जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखा गाइस आपने मेरा फाइनल लुक कि कितना ज्यादा प्यारा, कितना ज्यादा सिंपल मेकअप है। बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। ज्यादा आई शेडोज वगैरह जिसको नहीं पसंद है तो वो इस तरह के मेकअप जो है कर सकता है और इस तरह से अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं समर्स में, क्योंकि समर्स में बहुत ज्यादा स्वेट होता है अपने फेस पे। तो जो है वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।